डीमन स्लेयर के अंदर हमारे ह्यूमंस डीमंस को डिफीट करने के लिए काफी सारी ब्रीदिंग फॉर्म्स को यूज करते हैं, जहां हमें ये पता है कि टोटल कितनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं और उनमें से कौन सी फॉर्म कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी तरीके से हमारे डीमंस भी एक आर्ट फॉर्म को यूज करते हैं जिसे कहा जाता है ब्लड डीमन आर्ट फॉर्म, जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि उनमें से कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उनके पावर लेवल के अकॉर्डिंग हम उन्हें रैंक भी करने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो तुम्हें काफी इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर 10 के ऊपर जो टेक्निक देखने को मिलती है वो है थ्रेड मैनिपुलेशन, जिसे रोई यूज करता था। जो तुम्हें याद ही होगा कि ये ऐसा पहला डीमन था जिससे हमारे तांजियो ने सीजन 1 के अंदर एक डेडली फेस ऑफ किया था, जहां तुम इस बंदे की टेक्निक से ही आइडिया लगा सकते हो कि ये बंदा थ्रेड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, जस्ट लाइक अ स्पाइडर जो अपने वेब्स को कंट्रोल करता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतने कि ये बंदा इनसे आसानी से निचिरिन ब्लेड्स को ब्रेक कर सकता है जो बनाए ही जाते हैं इन डीमंस को मारने के लिए। और तो और, अपने डीमन ब्लड को इन थ्रेड्स के साथ इन्फ्यूज करके ये बंदा इस टेक्निक को और भी ज्यादा डेडली बना देता है, जिसकी वजह से तांजिरो को इसके साथ बैटल करने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। एंड इसके बाद हमें नंबर 9 पर देखने को मिलती है एनमो की ड्रीम मैनिपुलेशन टेक्निक, जिसे उसने इन्फिनिटी ट्रेन आग के अंदर डीमन स्लेयर से फाइट करते हुए यूज करके दिखाया था, जहां वो इस टेक्निक को यूज करके अपने अपोनेंट्स को सुला के उनके ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो उनके ड्रीम्स के अंदर एंटर करके उनके स्पिरिचुअल कोर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, और ऐसा करने की वजह से वो अपने अपोनेंट को रियल वर्ल्ड के अंदर भी वीक कर सकता है, तो उन्हें मारना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसके अपोनेंट को इस चीज से ओवरकम करना है तो उसकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना उसका गेम खत्म हो जाता है, जो हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और इसके बाद नंबर 8 में हमें देखने को मिलती है ग्याको की प्रोक्लेन वासिस टेक्निक, जहां ये डीमन तो तुम्हें याद ही होगा जो शायद अब तक का सबसे क्रीपीएस्ट डीमन था, और इसका डिजाइन भी उसी तरीके से किया गया था जो हमें सीजन 3 के शॉर्ट्स में द विलेज आग में देखने को मिलता है, जहां बेसिकली ये अपनी डीमन आर्ट फॉर्म से दादी माँ के बनाए हुए पॉड्स को यूज करता है और उनसे काफी सारी फिशेस को समन कर लेता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और किसी भी अपोनेंट को ओवरपावर्ड करने के लिए काफी होती हैं। जहां अपनी पावर्स का नमूना सबसे पहले इसने मिस्ट हासिरा यानी कि मिचिरो के सामने दिखाया था और उसे ऑलमोस्ट मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया था। एंड इसके बाद नंबर 7 पर हमें देखने को मिलती है ओबाए सैस मैनिपुलेशन टेक्निक, जिसे डाकी यूज किया करती थी, जो एक 6th रैंक की डीमन थी और एक अपर रैंक डीमन होने के बाद भी ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन हाँ इसकी डीमन आर्ट फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि डाकी काफी डिफरेंट वेज में अपने फ्लोरल पैटर्न के ओबाई सेसेस को यूज कर सकती थी, जिससे वो जितने चाहे लोगों को कैप्चर करके अपने ओबाई के अंदर स्टोर कर सकती थी, जस्ट लाइक एक पर्स की तरह तुम उसमें कितना भी सामान स्टोर कर सकते हो, और उसमें वो लोगों के साथ डीमन पावर्स को शेयर करके उन्हें एक बिल्कुल ही न्यू बींग में कन्वर्ट कर सकती थी, जहां वो सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स के साथ अपने सेसेस यानी कि रिबन की तरह जो देखने को मिलती है उनसे बिल्डिंग तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी कि इसे हराने के लिए हमारे जिनिसु एंड इनोस्के को साथ मिलकर इससे बैटल करनी पड़ती है। एंड इसके बाद जो नंबर 6 पे हमें टेक्निक देखने को मिलती है वो है इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिसे हमारा हेंटेंगो यूज किया करता था, जो एक अपर रैंक डीमन था जिसकी रैंक 4 थी, और इसने गेटारो के साथ मिलकर शॉर्ट्स में विलेज आर्क में विलेज के ऊपर अटैक किया था, जहां हेंटेंगो अपने डिफरेंट इमोशंस को एक फिजिकल बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट कर सकता था जो बिल्कुल उसके क्लोन्स की तरह देखने को मिलते थे। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि इन सभी क्लोन्स के पास एक डिफरेंट एंड यूनिक डीमन आर्ट फॉर्म देखने को मिलती है, और सभी के टंग के ऊपर हमें एक स्पेशल मार्क्स भी देखने को मिलते हैं जो उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन सभी में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था ज़ोहाकुटेन, जो हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता था, और काइंड ऑफ ये पहले 4 इमोशंस का एक कंबाइंड फॉर्म था जिसके पास उनकी सभी डीमन आर्ट फॉर्म्स भी थी, और इसलिए ये अपने वुड मैनिपुलेशन के साथ साथ साउंड वेव्स, डेंजरस स्पेशल स्पीयर्स, एरोकाइनेसिस और लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता था, इसलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था। एंड इसके बाद जो नंबर 5 पे हमें टेक्निक देखने को मिलती है वो है ब्लड मैनिपुलेशन, जिसे गेटारो यूज करता था। अब देखो 4 सीजन हमें अभी तक देखने को मिल चुके हैं, लेकिन गेटारो वर्सेस टेंजिन की जो बैटल है वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बैटल में कंसीडर की जाती है, क्योंकि इस बैटल के अंदर हमारे गेटारो ने टेंजिन और तांजिरो को काफी हद तक पुश किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डेंजरस तो था ही, लेकिन अपनी इस डीमन आर्ट फॉर्म से ये अपनी बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट से अपने ब्लड को डेडली ब्लेड्स में कन्वर्ट करके बैटल कर सकता था, और ये ब्लेड इतने ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ पॉइजन को भी कंटेन करते थे, इसलिए साउंड हासरा यानी कि टेंजन को भी इसके साथ बैटल करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और तो और, हमें गेटारो का एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी यूज होते हुए देखने को मिलता है, जो है जायंट ब्लड टोर्नेडो, जिससे वो किसी भी बिल्डिंग को एक बटर की तरह काट सकता है। एंड इसके बाद जो नंबर 4 पे हमें टेक्निक देखने को मिलती है वो है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जिसे अकाजा यूज करता था, और
और ये डीमन लिटरली में काफी ज्यादा अलग था बाकियों से, क्योंकि एक तो इसका यूनिक बैटल स्टाइल, ऊपर से डीमन आर्ट फॉर्म जो इसे अनडिफीटेड बनाती है। ऊपर से जब हमारा अकाजा इंसान हुआ करता था तब भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन डीमन ब्लड मिलने की वजह से वो सोरियो स्टाइल को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से उसके पंचेस और भी ज्यादा डेडली बन जाते हैं, जिससे वो शॉक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है काइंड ऑफ अ मिनी एक्सप्लोजन की तरह। और इसी आर्ट फॉर्म के चलते उसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की एबिलिटी मिल जाती है, जिससे वो अपने अपोनेंट्स के फाइटिंग स्टाइल को शुरुआत में ही अडैप्ट कर लेता है और अपने काउंटर अटैक्स को तैयार कर लेता है। और तो और इसके पास एक बहुत ही ज्यादा डेडली टेक्निक भी देखने को मिलती है, जिससे ये अपने अपोनेंट्स की स्पिरिट्स को एनालाइज करके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उनके ऊपर लॉन्च कर पाता है, जिससे इसने रेंगोकू को डिफीट किया था। और तो और इन्फिनिटी कैसल शोडाउन के अंदर इसने इस टेक्निक की वजह से तानजीरो और गियो को भी काफी परेशान किया था, जो हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। खैर, हमें इसके बाद नंबर 3 पर जो टेक्निक देखने को मिलती है वो है क्रायोकाइनेसिस, जिसे अपर रैंक डीमन 3 यानी कि डोमा यूज करता था। और इस टेक्निक से हमारा डोमा आइस को मैनिपुलेट करके उसे ऑफेंसिवली भी यूज कर सकता है, और ये अपनी आर्ट फॉर्म से अपने आसपास की जो सराउंडिंग एयर है उसके अंदर अपने ड्रॉपलेट्स को मिक्स कर देता है, जिससे उसका अपोनेंट जब ब्रीथ करता है तो उसके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं और ये उनको काफी जल्दी डिफीट कर पाता है। ये अपनी इसी टेक्निक को यूज करके काफी सारे आइस क्लोन्स को फॉर्म कर सकता है, जो पावर लेवल में उसके बराबर के ही माने जाते थे। और सिर्फ क्लोन्स ही नहीं बल्कि ये एक जायंट आइस स्टैचू को भी फॉर्म कर सकता है, जो पंच कर सकता है और आइस ब्लास्ट को भी शूट कर सकता है। तो हाँ, लिटरली में ये इकलौता ऐसा डीमन है जिसने दो हासिदास को खत्म किया है और बाकियों को भी काफी ज्यादा परेशान किया है। तो हाँ, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। एंड इसके बाद नंबर 2 पे जो हमें टेक्निक देखने को मिलती है वो है बायोकाइनेसिस, जो पूरी सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन यानी कि सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट यूज करता है, जो है मुजान। अब भले ही मुजान स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन था, लेकिन उसकी डीमन आर्ट फॉर्म उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मानी जाती थी, लेकिन हाँ, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपनी बॉडी की शेप को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है और वो अपने बैक से काफी सारे हंटर्स की तरह वाइब्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे वो मल्टीपल हासिदास को एक साथ बैटल में काफी देर तक होल्ड करके रखता है। सिर्फ होल्ड ही नहीं करता है, वो उन सभी को ओवरपावर्ड भी करता है। और तो और वो अपने बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा माउथ को प्रोड्यूस कर सकता है, स्पेशली जायंट माउथ हमें उसके चेस्ट पे देखने को मिलता है, जिससे वो लाउड स्क्रीम करके शॉक वेव जनरेट कर सकता था। और तुम्हें पता ही है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी सन, लेकिन उससे बचने के लिए ही ये अपनी बॉडी के फ्लैश से ही अपने ऊपर मल्टीपल लेयर्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ये एक जायंट बेबी की फॉर्म में देखने को मिलता है, ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। खैर, हमें इसके बाद फाइनली नंबर 1 पे देखने को मिलती है स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आर्ट फॉर्म, जो है क्रिंसेंट मून ब्लेड्स, जिसे हमारा रैंक 1 का डीमन यानी कि कोकोशी भी यूज करता था। अब देखो, इस फॉर्म को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है, क्योंकि ये पहले डीमन आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर ब्रीदिंग फॉर्म को कंबाइन करके यूज किया जाता है। बेसिकली जब हमारे डीमन स्लेयर किसी भी ब्रीदिंग फॉर्म को यूज करते हैं तो वो काफी सारे पावरफुल अटैक को यूज करते हैं, जो या तो फ्लैशी होते हैं या फिर इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन कोकोशिबी के केस में जब वो अटैक करता है तो वो सिर्फ इल्यूजन नहीं रहते हैं, वो एक्चुअल में अटैक होते हैं काइंड ऑफ अ रियलिटी, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं हासिदास के अटैक के कंपैरिजन में। और वो अपनी शॉर्ड को स्विंग करके क्रिंसेंट मून को जनरेट कर सकता है, जो उसके अपोनेंट पे सीधा जाके लगते हैं। और ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है उस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे मिस्ट हाशिरा यानी कि मिचिरो को ये सिर्फ 1-2 अटैक के अंदर ढेर कर देता है और अकेला ही मल्टीपल हासिरास को ओवरपावर्ड करता है, जो तुम्हें लास्ट बैटल के अंदर देखने को मिलेगा। तो हाँ, इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन हाँ, अभी हम इन्फिनिटी कैसल आ रहे हैं, उससे पहले ही हम तानजीरो एंड जिनेसु की बैटल को कवर कर चुके हैं, तो तुम इस प्लेलिस्ट से उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी हाँ, ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी हाँ, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।